दोस्तों ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक, ये 2017 मॉडल है। अब ये देखो कि बारिश के पानी से या फिर नॉर्मल पानी के छींटों वगैरह से इसका हाल कैसा हो गया। अगर आपकी बाइक का भी यही हाल है तो आपको कैसा फील होता है? बुलेट जानी जाती है एकदम चमकदार प्रेजेंस के लिए और एक दमदार परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन अगर उसकी चमक फीकी पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? पानी के छींटे हैं, कीचड़ है, मतलब जैसे अगर आप ड्राइव करते हो बारिश में या फिर नॉर्मल डेज में भी, तो धूल मिट्टी से, पानी से कुछ इस तरीके के निशान आ जाते हैं, तो ये आप देख लो। अब इसको हटाने के दो तरीके हैं, या तो आप मैकेनिक के पास जाओ, वहां पर आप 2000 से 3000 के बीच में आपको पैकेज मिलेगा, पूरी इंजन की बफिंग वो करके आपको देंगे, आपकी गाड़ी जो है चकाचक हो जाएगी। या फिर आप 2000 रुपए में एक बॉश का प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर खरीद लो और उस पे बफिंग पैड लगा के इसको जब चाहे जब चमका दो। तो इन दोनों तरीके में से मैंने चुना सेकेंड वाला। मैंने रिसेंटली बॉश का ये प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर जो भी आप कहें, वो परचेज कर लिया था, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये दूँ मैं, 2-3 महीने बाद फिर ऐसी हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि मैं जब मर्जी तब बफिंग कर सकता हूँ। ये है एंगल ग्राइंडर, इस पर भी पैड लगा सकते हो, और ये है ड्रिल मशीन, इस पर तो आप मतलब लगा ही लेते हो जुगाड़ करके। बाकी अपने पास है क्या, देखो कपड़े वाला पैड है ये, ठीक है, कपड़ों से मिल के बनता है, सॉलिड कपड़े, ये भी अच्छी शाइन देता है, और नट बोल्ट के थ्रू इसको ऐसे बनाया गया है, तो इसको हम ड्रिल मशीन में ऐसे लगा देंगे, उसका भी बताऊंगा। और एंगल ग्राइंडर के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये देखो प्लास्टिक का, ठीक है, ये यहाँ पर कॉटन टाइप का ही होता है, वुलन टाइप का सॉलिड, तो इसको लगाएंगे इसमें, दोनों से साफ करेंगे, और उसके बाद एक ये भी है मेरे पास मेटल पॉलिश, तो शाइन वाइन करने के लिए है ये, और उसके बाद ना हमारे पास जो है निकल पाउडर भी है, तो निकल पाउडर भी मैंने मंगाया है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो इसको भी यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। फिर डिफरेंस दिखाऊंगा आपको कि इस वाला साइड हम करेंगे एंगल ग्राइंडर से, इधर वाला साइड जो हम करेंगे वो करेंगे ड्रिल मशीन से, वो वाला पैड लगा के, दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा, और इनको साफ़ करने के लिए वो जो नीली वाली बार आती है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इसको आप एक लोकल हार्डवेयर वाली शॉप से जाके ला सकते हो, मैं लेके आया था इसको 25-26 रुपए के आसपास थी, तो वहाँ से मैं लेके आया था इसको, और ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, मैं 2-3 बार यूज़ कर चुका हूँ। तो सबसे पहले करते क्या है कि इस वाले ब्लेड को हटाते हैं और इस पर वो वाला बफिंग पैड लगा लेते हैं। अब ड्रिल मशीन से ये वाली बिट निकाल देते हैं और वो वाला बफिंग पैड इस पे लगा लेते हैं। और ये भी अब हमारा तैयार है, तो दोनों मशीन हमारी तैयार है। तो बफिंग करने से पहले बेसिकली हमें करना क्या होता है, जैसे ये फुट रेस्ट है या फिर ये गियर चेंज वाला लीवर है, ये सब निकाल लेना चाहिए। अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो ऊपर ऊपर से कर पाओगे, बाकी नीचे साइड वाइड से अगर आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर करनी है तो ये आपको निकाल लेना चाहिए। तो ये जो लीवर है ये इसके लिए छोटी गोटी जो है काम करती है, क्योंकि वहाँ पे चाबी या पाना तो लगेगा नहीं, छोटी टूल किट आती है, लिंक इन सब के मैं दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो छोटी टूल किट जो है आप परचेज कर सकते हो, 100-200 रुपये के आसपास ही आती है, इसको लगा के थोड़ा सा लूज करोगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो देखो ये निकल गया है और इसमें भी दोनों तरफ अच्छे से रस्ट लगा हुआ है। तो पहले हमें कपड़े से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। अब ये देखो ये मतलब कपड़े से मैंने साफ कर लिया, तो मैं टेप लगा देता हूँ जिससे कि आपको डिफरेंस जो है वो इजीली पता चल जाए। तो ये देखो ये एंगल ग्राइंडर है, और एंगल ग्राइंडर मैंने लिया है सबसे पहले, और वो सोप ली है, इस पे इस तरीके से एंगल ग्राइंडर ऑन करके आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे रगड़ लो इसको, फिर हम इस तरफ कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में मैं इसको इस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखो लगाते ही आपको थोड़ा सा चमक जो है वो दिखने लगी होगी। अब दूसरी साइड जो है मैं ड्रिल मशीन के साथ ये वाला पैड लेने वाला हूँ, और उस पर भी मैंने सेम सोप लगाई है, तो अब देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब
पास से दिखाता हूँ दोनों पे ही जो इफेक्ट है वो देखो ऐसा सही है, मतलब शाइनिंग तो आ गई लेकिन जो मार्क्स हैं वो भी हैं। तो उसके लिए एक पे यूज़ करेंगे ये मेटल पॉलिश, इस पे मेटल पॉलिश यूज़ करते हैं। ये है अपने पास निकल पाउडर, इस तरफ इसको यूज करते हैं। देखो ये दोनों हो गए और बेटर रिजल्ट के लिए ना आपको भी थोड़ा ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। चलो मैं फिलहाल दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा शाइनी सा है, ये वाला जो है ये थोड़ा कम शाइनी है। बाकी इस पे एक दो कोट और लगेंगे यही एंगल ग्राइंडर वाले और फिर ये हिस्सा चमक जाएगा। टेप हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये था प्रीवियस जैसा पहले था, ये फर्स्ट के बाद और ये उसके बाद। मैं एक बारी पूरा प्रॉपर कर लेता हूँ सारा फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा इस साइड मैंने ये जो है लिक्विड भी लगा के दिखाता हूँ कि लिक्विड लगाने के बाद क्या प्रॉपर साफ हो जाता है। इसी तरीके से आप पूरे एरिया पे बफिंग कर सकते हो और बफिंग करने के बाद देखिए आपके पास चॉइस है, आप निकल पाउडर को अच्छे से रगड़ लो क्योंकि होता है क्या बफिंग करने के बाद ना कई बार काले काले रेशे रह जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए या तो आप निकल पाउडर यूज़ कर लो या फिर वो लिक्विड भी आप यूज़ कर सकते हो मेटल पॉलिश जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से मैं उस साइड भी करके दोनों साइड करके आपको फाइनल आउटपुट जो है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ था इस वीडियो में। बफिंग अगर आप घर पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये टूल्स ज़रूरी हैं और कॉस्ट जो है मार्केट से काफ़ी कम आती है और वो वन टाइम कॉस्ट है। बार बार आपको चीज़ें परचेज नहीं करनी पड़ेंगी बट आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा और आपको मतलब इस तरीके का आपके अंदर होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर पाओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं नई धूल उड़ती है ये होता है वो होता है, तो वो सारी चीज़ आप देख लेना। बाकी खुद से करना चाहोगे तो आपको बजट फ्रेंडली पड़ेगी, एक ही बार आपको पे करना है और उससे आप साल दो साल मतलब आगे भी मशीन तो कभी ख़राब नहीं होती, मशीन तो मोस्टली ख़राब नहीं होती, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे वो रबिंग वाली सॉप है या फिर बफिंग पैड है ये आप हो सकता है कि ख़राब हो जाए, वो आप परचेस कर सकते हो तो इतना ज़्यादा खर्चा आता नहीं, या फिर आप मार्केट जाके भी करा सकते हो, दोनों ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर जो मेटल पॉलिश है वो बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मेरे पास तो रखी थी इसलिए मैं लगा के देख रहा था कि दोनों में से कोई एक यूज़ करके आप अपनी बाइक को जो है चमका सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए टेक प्रो।